एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। राजस्थान CHO फ्री स्पेशल टेस्ट सीरीज नंबर 6 यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस सीरीज के अंदर हम लोग वही क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि राजस्थान CHO के सिलेबस के अकॉर्डिंग है और आपके एग्जाम के अंदर सीधे पूछे जाएंगे। वो सब सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग इस टेस्ट सीरीज के अंदर डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि अगर आपने फर्स्ट टाइम अगर इस यूट्यूब चैनल से आप टेस्ट सीरीज ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली जो भी टेस्ट सीरीज की वीडियोस है वो आप तक रीच कर सके। तो यहाँ सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मोस्ट एक्यूरेट वे टू चेक द पोजिशन ऑफ रायल्स ट्यूब। मोस्ट एक्यूरेट वे बताना है आपको रायल्स ट्यूब को चेक करने की, पोजिशन को चेक करने के लिए। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है रेडियोग्राफी, एस्पिरेशन, बाउल मेथड और एयर बोलस इंजेक्शन। चार ऑप्शन आपके सामने है। मोस्ट एक्यूरेट वे बताना है, पोजीशन को चेक करना है आपको रायल्स ट्यूब की। तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स के अंदर राइट आंसर पुट करना है। तो यहाँ अगर मोस्ट एक्यूरेट वे की बात करें तो पोजीशन को चेक करने के लिए हम लोग रेडियोग्राफी करते हैं। मोस्ट एक्यूरेट यहाँ पर आपसे पूछा है तो यहाँ ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द वुंड एजेस इज कॉल्ड। पार्शियल और कंप्लीट सेपरेट हो जाता है अगर वुंड के एजेस तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है एप्सिस फॉर्मेशन, वुंड डिहाइसेंस, वुंड एवर्सिएशन और फिस्टूला। चार ऑप्शन आपके सामने है और राइट आंसर आपको पुट करना है। वुंड एजेस अगर कंप्लीट या पार्शियली सेपरेट हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम के अंदर आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ अगर पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन की बात करें वुंड एजेस की तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वुंड डिहाइसेंस। वुंड डिहाइसेंस का मतलब क्या होता है, जो वुंड के एज है वो सेपरेट हो जाते हैं। वहीं एवर्सिएशन के अंदर क्या होता है, वुंड एवर्सिएशन के अंदर जो भी अंदर का ऑर्गन है वो एवर्सिएशन का मतलब क्या होता है, बाहर की तरफ आ जाता है एज को ब्रेक करके और आउटर साइड के अंदर यहाँ पर आ जाता है। इनर जो अंदर का ऑर्गन है उसे बोलते हैं हम लोग वुंड एवर्सिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिकल डिवाइस यूज टू प्रिवेंट द फुट ड्रॉप इज कॉल्ड। ऐसी कौन सी मैकेनिकल डिवाइस है जो कि फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करती है। तो ऑप्शन आपके सामने बेड ब्लॉक, फुट रेस्ट, नी रेस्ट और बैक रेस्ट। चार ऑप्शन आपके सामने है। मैकेनिकल डिवाइस यूज टू प्रिवेंट द फुट ड्रॉप, फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा मैकेनिकल डिवाइस हम लोग यूज़ में लेते हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा फुट रेस्ट। फुट रेस्ट का मतलब क्या होता है, जो मैकेनिकल डिवाइस है जो कि फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के काम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, साइट से रिलेटेड, इंजेक्शन साइट से रिलेटेड, इंट्राडर्मल इंजेक्शन है वो कितने डिग्री के ऊपर हम लोग यहाँ पर देते हैं। इंट्राडर्मल की बात हुई है यहाँ पर तो ऑप्शन ए है 15 डिग्री, ऑप्शन बी है 30 डिग्री, ऑप्शन सी है 45 डिग्री और ऑप्शन डी है यहाँ पर 90 डिग्री। चार ऑप्शन आपके सामने है और राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर पुट करना है। अगर आपने प्रीवियस जो भी टेस्ट सीरीज अगर आपने नहीं ली है तो वो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और राजस्थान CHO एग्ज़ाम तक हम लोग काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन हम लोग 15 डिग्री के ऊपर देते हैं, यानी ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है रेशेज ऑफ चिकन पॉक्स फर्स्ट अपीयर ऑन। जो चिकन पॉक्स है उसके रेसे सबसे पहले कहाँ अपीयर होते हैं। ऑप्शन आपके सामने है ट्रंक, फेस, आर्म्स और लेग्स। चार ऑप्शन आपके सामने है। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के रिगार्डिंग यहाँ पर एक क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ रेसेज अगर सबसे पहले चिकन पॉक्स की बात करें तो ट्रंक के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं। तो यानी ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको सी यानी चिकन, सी टी से याद रखना है, चिकन टी से याद रखना है, ट्रंक यानी सी टी यहाँ पर आपको याद रखना है, एक ट्रिक से जैसे कि हम लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है क्लिनिकल फीचर्स ऑफ चिकन पॉक्स इंक्लूड। आपको चिकन पॉक्स के क्लिनिकल फीचर्स यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है स्किन डिसीज़,
सेकेंड है फीवर, थर्ड है पेन इन बैक और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबाउ। चिकन पॉक्स के अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर स्किन रेसेस भी होता है, फीवर और पेन इन बैक भी होता है, यानी ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया वॉज डिक्लेयर स्मॉल पॉक्स फ्री इन, इंडिया ने स्मॉल पॉक्स को फ्री डिक्लेयर कब किया गया? ऑप्शन ए है अप्रैल 1977, ऑप्शन बी है मई 1980, ऑप्शन सी है जुलाई 1978, ऑप्शन डी है मई 1982। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर पुट करना है। यहाँ पर इंडिया का पूछा है ना कि वर्ल्ड का, तो इंडिया की अगर बात करें तो स्मॉल पॉक्स को फ्री कब कर दिया गया था? अप्रैल 1977, यानी ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 1977 के अंदर इंडिया को स्मॉल पॉक्स से फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने से पहले, अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको हर एक वैकेंसी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी वहाँ पर पुट किए जाते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ऐड हो सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन की बात करें तो हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आर द मेथड ऑफ, अगर हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन की बात करें तो ये किसके मेथड है? प्राइमरी प्रिवेंशन के, प्राइमोडियल प्रिवेंशन के, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्सरी प्रिवेंशन। यहाँ पर हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो हेल्थ प्रमोट किया जाता है वो किया जाता है प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर, और प्रोटेक्ट किया जाता है, हेल्थ एजुकेशन दी जाती है उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग डेज फॉल्स ऑन 11th जुलाई, 11th जुलाई को हम लोग कौन सा डे बनाते हैं? तो ये क्वेश्चन डेज के रिगार्डिंग आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेज के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ 11th जुलाई की बात करें तो ऑप्शन ए है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, UNO डे, वर्ल्ड फूड डे और साइंस डे, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। और अगर हम लोग 11th जुलाई की बात करें तो 11th जुलाई को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। पॉपुलेशन डे हम लोग 11 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रूबेला का दूसरा नाम यहाँ पर आपसे पूछा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रूबेला इज़ ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन ए है रूबियोला, ऑप्शन बी है जर्मन मीजल्स और ऑप्शन सी है पर्टोसिस, ऑप्शन डी है यहाँ पर हेपेटाइटिस। चार ऑप्शन आपके सामने है और रूबेला का दूसरा नाम यहाँ पर आपसे पूछा है। रूबेला का दूसरा नाम की बात करें तो हम लोग क्या बोलते हैं? जर्मन मीजल्स, यानी ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने से पहले, अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, तो वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वैकेंसी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्लेंड डाइट कंसिस्ट ऑफ, ब्लेंड डाइट के अंदर क्या होता है? हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई फीट, रफेजेस, नॉन इरीटेटिंग फूड। तो यहाँ पर ब्लेंड डाइट का क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है जिसके अंदर होता है नॉन इरीटेटिंग फूड, यानी ब्लेंड डाइट के अंदर क्या कंसिडर करते हैं? ऐसा फूड जो कि इरीटेट नहीं करता है उसे बोलते हैं नॉन इरीटेटिंग फूड। ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वाइटल साइंस के रिगार्डिंग, जिसके अंदर आपसे पूछा है सीक्वेंस वाइटल साइंस की किसके अंदर? न्यू बॉर्न के अंदर। न्यू बॉर्न की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने टेम्परेचर, पल्स रेस्पिरेशन टेम्परेचर, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इन्फेंट का यहाँ पर आपसे पूछा है, तो इन्फेंट की बात करने से पहले हम लोग बात करेंगे एडल्ट की। तो एडल्ट के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं? टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन। ऑप्शन ए है, अगर यहाँ पर एडल्ट दिया हुआ होता तो ऑप्शन ए राइट आंसर होता, लेकिन यहाँ पर न्यूबॉर्न का पूछा है तो न्यूबॉर्न के अंदर क्या होता है? रेस्पिरेशन, पल्स और टेम्परेचर। ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो के अंदर। आने वाली टेस्ट सीरीज के अंदर हम लोग सेलेक्टेड क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे, तो आप कंटिन्यू चैनल को
पर विजिट करते रहिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट सीरीज का वीडियो आता है तो आपको पता लग सके। साथ ही अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा। किसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप पुट कर सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर आप व्हाट्सएप पे भी अपना जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।